वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ नंबर सिस्टम। अब हम लोग ने नंबर सिस्टम में एक टॉपिक देखा है रैशनलाइजेशन, उसमें हमने टाइप वन कवर किया है, कोई मिल गया, टाइप टू कवर किया है, क्रिश टू। अब आज के लेक्चर में क्रिश टू पे बेस्ड मैं थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने वाला हूं, बिकॉज वो क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन हम लोग लास्ट टाइप सीखेंगे, दैट इज क्रिश थ्री, वो भी चार मार्क के लिए आता है, वेदर इट इज फॉर 40 मार्क्स एग्जाम और 80 मार्क्स एग्जाम। तो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन। 7/√12 - √5, 7/√12 - √5 क्वेश्चन में बोला है रैशनलाइज करना है। अब आप नोटिस करो कि यहां पे 7 है और रूट के अंदर 12 है। नाउ स्टूडेंट्स टेल मी, 12 इज द प्राइम नंबर? नो, 12 इज अ कॉम्पोजिट नंबर, तो 12 प्राइम नंबर नहीं है। तो आपको पहले क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, एंड देन ओनली विल एबल टू रैशनलाइज दिस। आई होप आपको समझा स्टूडेंट्स, आपको आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह ध्यान रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स। रूट 12, रूट 5, अभी रूट 5 तो प्राइम है तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सो अभी इसको क्या करेंगे, रूट 12 है, रूट 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 4 × 3 - √5। नाउ टेल मी स्टूडेंट्स, 4 का स्क्वायर रूट कितना आता है, 2, तो मैं 2 को यहां पे बाहर ले लूंगा, यहां पे आ जाएगा √3 - √5। तो लो ये सिंप्लीफाई हो गया, ये रूट इरेशनल नंबर प्राइम में आ गया, यस और नो? नाउ टेल मी, हम लोग को इसको रैशनलाइज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई और किससे डिवाइड करना पड़ेगा, वी नीड टू मल्टीप्लाई विथ इसका कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट मतलब क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2√3 + √5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। सो लेट अस डिवाइड 2√3 + √5 से। सो 7/√3 - √5 क्वेश्चन है, (√3 + √5) / (√3 + √5). सो स्टूडेंट्स हम लोग को क्या करना है, 7 × (√3 + √5), न्यूमरेटर को हमको ज्यादा भाव नहीं देना है, हम लोग को वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में आप देखोगे, सो यू विल बी गेटिंग अ फॉर्मूला एज ऑलवेज। कौन सा फॉर्मूला, आपको सबको पता है, a + b a - b, दैट इज a² - b²। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो, 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, नहीं करना चाहते तो यू कैन कीप आंसर एज इट इज। आई वुड लाइक टू सजेस्ट दैट कीप एज इट इज, कोई जरूरत नहीं है। 7 × (√3 + √5) / नाउ वी हैव टू यूज द फॉर्मूला a² - b² तो 2√3 / √5। अब ध्यान से करेंगे हम लोग इसका स्क्वायरिंग, न्यूमरेटर कीप एज इट इज। चलो 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4, √3 का स्क्वायर आएगा 3, 4 × 3 = 12, −√5 का स्क्वायर आएगा 5। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पे गड़बड़ करते हैं, √5 का स्क्वायर 25 लिखते हैं, रॉन्ग, √5 का स्क्वायर 5 itself, ठीक है, √3 का स्क्वायर 9 नहीं होता, √3 का स्क्वायर √9 होता है, √9 मतलब 3 होता है, तो याद रखना है ये। सो 7 × (√3 + √5) / (12 - 5) = 7। अभी देखो ये 7 × में तो कैंसिल होगा, इनके साथ नहीं कैंसिल हो सकता, प्लस है ये बीच में, तो इनके साथ कैंसिल मत करो, 7 इसके साथ ही कैंसिल होगा अगर वो इंटू में है, तो प्लस माइनस में कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। सो अच्छा हुआ ना हम लोग ने 7 को अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया, ताकि ये और सिंप्लीफाइड हो गया, तो आपका फाइनल आंसर आएगा (√3 + √5). सो स्टूडेंट्स मैं खाली ये सब से बताना चाहता हूँ कि आपको अगर यहाँ पे प्राइम नंबर के अलावा और कोई नंबर मिल रहा है, सो फर्स्ट यू नीड टू सिंप्लीफाई, यू हैव टू कन्वर्ट देम इनटू प्राइम, एंड देन यू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द रिस्पेक्टिव कॉन्जुगेट। क्लियर है स्टूडेंट्स? और दूसरा चीज यहाँ पे नोटिस किया, यहाँ पे 7 को मल्टीप्लाई नहीं करना, ताकि आगे आके कुछ भी कैंसिल पॉसिबिलिटी होगा तो वो कैंसिल आउट होके सिंप्लीफाइड आंसर मिल जाएगा। अगर आप ये अंदर मल्टीप्लाई करते तो वापस बेजा फोड़ी हो जाता था, तो बेटर है विल कीप एज इट इज। अब हम लोग इस पे ही बेस नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है सेकेंड क्वेश्चन, ये सब एक्स्ट्रा क्वेश्चन है स्टूडेंट, टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेंगे, बिकॉज ये सारे क्वेश्चन जो है वो
आरडी शर्मा गोल्डन प्रीवियस एग्जाम्स में से लिए हुए हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 + 2√3 अपौन 7 + 4√3। तो स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हो यहां पे न्यूमरेटर में भी रूट है डिनोमिनेटर में भी रूट है, लेकिन न्यूमरेटर में जो रूट है उसका मुझसे लेना देना नहीं है, मुझे डिनोमिनेटर का रूट रिमूव करना है। अब आप देखो ऑलरेडी रूट सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, तो डायरेक्ट हम लोग फैक्टर ले लेते हैं कॉन्जुगेट वाला। सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 7 - 4√3। सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं 5 + 2√3 अपॉन 7 + 4√3 मल्टीप्लाई टू 7 - 4√3 अपॉन 7 - 4√3। सो न्यूमरेटर आएगा 5 + 2√3 इंटू 7 - 4√3 डिवाइड बाय 7 + 4√3 इंटू 7 - 4√3। अब आप देखोगे न्यूमरेटर आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा बिकॉज ये इंटू में है, बहुत बड़ा बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल करना पड़ेगा, बट ये बाद में करो अभी मत करो, पहले हम डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई कर देते हैं। सो न्यूमरेटर आई एम कीपिंग एज इट इज, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। 7 - 4√3 डिवाइड बाय, अब देखो a² - b², तो 7² - 4√3² इज इक्वल टू, अब आप सिंप्लीफाई करना चालू करो न्यूमरेटर को, तो 5 को पहले दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 × 7 = 35, 5 खाली 4 से मल्टीप्लाई होगा -20√3 आ जाएगा। ध्यान से करना 2 × 7 + 14√3 हो जाएगा, 2 × 7 = 14√3। अब दूसरा ध्यान से करेंगे प्लस माइनस माइनस ही होगा, अब देखो रैशनल रैशनल से मल्टीप्लाई होगा इरेशनल इरेशनल से होगा, याद रखना ये। सो 2 × 4 = 8, √3 × √3 आएगा 3, 8 × 3 = 24। फिर से एक बार मल्टीप्लीकेशन बदल देता हूं, 5 × 7 = 35, 5 - 4√3 = 20√3, 2√3 × 7 करोगे तो 2 × 7 = 14, √3 का कोई पार्टनर नहीं कीप एज इट इज। एंड लास्ट है रैशनल रैशनल से मल्टीप्लाई होगा, 2 × 4 = 8 आएगा, √3 × √3 मल्टीप्लाई हो सकता है इरेशनल इरेशनल मल्टीप्लाई हो सकता है, तो √3 × √3 क्या आएगा 3, सो 2 × 4 = 8, 8 × 3 = 24 क्योंकि सब मल्टीप्लीकेशन में है। तो आई होप आपको ये समझा होगा। डिवाइड बाय 7 का आएगा 49 माइनस, अभी तक ध्यान से करना 4 × 4² = 16, √3² = 3, 16 × 3 = 48 इज इक्वल टू 35 - 24, 35 - 24 कितना आ जाएगा यहाँ पे 35 - 24 आपका आ जाएगा 11 माइनस, सो 11 माइनस 20 + 14, -20 + 14 कितना आ जाएगा -6√3, क्योंकि -20 देखो रूट सेम है तो एड सब्ट्रैक्ट हो सकता है, मैंने तुमको सिखाया था। डिवाइड बाय 49 - 48 विल बी 1, तो आपका फाइनल आंसर आएगा 11 - 6√3। और एक बार देख लेते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 7 + 4√3 है, तो 7 - 4√3 से करेंगे न्यूमरेटर की पैसिटिस डिनोमिनेटर में फॉर्मूला, ध्यान से मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 7 = 35, 5 × 4 = 20√3, 2 × 7 = 14√3 क्योंकि √3 तो मल्टीप्लाई नहीं होता है, खाली रैशनल रैशनल मल्टीप्लाई होंगे। इधर भी 2 × 4 = 8, √3 × √3 = 3, 7² = 49, 4² = 16, 16³ = 48। सो 49 - 48 = 1, 11 - ये कैसे आया 35 - 24 है, 35 में से 24 का 11, -20 + 14 ये पॉसिबल क्यों हुआ क्योंकि √3 था देखो दोनों में, इसके लिए इक्वल रूट्स एड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। सो -20 + 14 कितना जाएगा -6√3 डिवाइड बाय 1, 49 - 48 = 1, तो आपका आंसर आएगा 11 - 6√3। तो आई होप आपको ये सेकेंड क्वेश्चन भी समझा होगा। अब मैं आपको एक स्पेशल क्वेश्चन बताता हूं, दैट इज एग्जाम में फेवरेट क्वेश्चन है, 4 मार्क के लिए आता है, तो वो हम लोग करने वाले हैं। नाउ क्वेश्चन सेज इफ √3 - 1 / √3 + 1 इज इक्वल टू a - b√3, फाइंड a एंड b,
क्वेश्चन समझेंगे स्टूडेंट्स, ए और बी का वैल्यू ढूंढना है। सो ए एंड बी के लिए हम लोग को यहाँ पे कंडीशन क्या दिया हुआ है कि रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री प्लस वन का वैल्यू क्या आएगा, ये ए माइनस बी रूट थ्री के वैल्यू के फॉर्म में आएगा। हम लोग को उसका वैल्यूज ए और बी का ढूंढना है। तो इन शॉर्ट आप याद रखो, यू डो नॉट कॉन्सेंट्रेट राइट नाउ ऑन ए एंड बी क्या ढूंढना है, उस पर कॉन्सेंट्रेट मत करो। आपको क्या करना है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में जैसे ही रूट आया तो मैं आपको एक चीज बताना रह गया, डिनोमिनेटर में रूट आया तो ऐसा समझना आपने रूट नहीं हटाया तो आपको पाप लगेगा। क्या लगेगा? पाप लगेगा, वो भी भयंकर वाला। सो रूट डिनोमिनेटर में जैसे ही रूट दिखा वैसे पाप मुक्त करना पड़ेगा इसको। तो पाप मुक्त के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, रैशनलाइजेशन। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो यहाँ पे वापस मैं रैशनलाइज करता हूँ, इसका क्या फंडा है वो हम लोग एंड में देखेंगे। इजी है, कुछ है नहीं, जो रैशनलाइज है वो ही कंटिन्यू करो। सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय रूट थ्री माइनस वन, क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट थ्री प्लस वन है तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय रूट थ्री माइनस वन करा दो। रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री प्लस वन इंटू रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री माइनस वन। अब न्यूमरेटर में आपको रूट थ्री माइनस वन दो बार है तो इसको डायरेक्ट होल स्क्वायर ले लो, और यहां पे आ जाएगा रूट थ्री प्लस वन इंटू रूट थ्री माइनस वन। दोनों बाजू फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला स्टूडेंट्स, पहले वाले में न्यूमरेटर में लगेगा ए माइनस बी द होल स्क्वायर। सो ए माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला आएगा ए स्क्वायर माइनस टू ए बी, टू ए बी मतलब टू इंटू रूट थ्री इंटू वन प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का तो आपका फेवरेट फॉर्मूला है रूट थ्री स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर इज इक्वल टू। अब देखो रूट थ्री का स्क्वायर क्या आएगा, थ्री माइनस टू रूट थ्री इंटू वन विल बी टू रूट थ्री इटसेल्फ प्लस वन का स्क्वायर वन डिवाइड बाय रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, इसका स्क्वायर माइनस वन। अब बहुत सारी महान आत्माएं हैं तुम्हारे बैच में, ठीक है, वो क्या करेंगी, थ्री थ्री कैंसल वन वन कैंसल, आंसर इज माइनस टू रूट थ्री, आपको मिलेगा इतना बड़ा जीरो। ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कैसे करना है, फाइनल आंसर कैसे आएगा वो देखो। ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी कनेक्टेड विथ समवन इन प्लस एंड माइनस साइन, आप उसको तोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। तो क्या करने वाले हम लोग देखो यहाँ पे, सो रूट थ्री का स्क्वायर आएगा थ्री माइनस टू रूट थ्री प्लस वन अपॉन थ्री माइनस वन, तो थ्री प्लस वन कितना आएगा फोर माइनस टू रूट थ्री की कैपेसिटीज डिवाइड बाय थ्री माइनस वन कितना आएगा टू। अब और बहुत सारी आत्माएं रहेंगी जो दूसरे प्लेनेट से आई है, मार्स से, टू टू कट करेंगी या तो टू टू जा फोर ऐसे कट करेंगी, नॉट पॉसिबल, ये भी आप कर सकते नहीं हो। सो क्या करना पड़ेगा, ये स्टूडेंट्स की जनरल मिस्टेक्स मैं बता रहा हूं ताकि आप एग्जाम में ना करो, थ्री प्लस वन फोर माइनस टू रूट थ्री अपॉन टू। नाउ इफ यू वॉन्ट टू कैंसल द थिंग्स, आपको क्या करना है, न्यूमरेटर में से कॉमन निकालना है। अब आपको पता है, आपने एलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर में सीखा रहेगा, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, फोर और टू में से, ये फोर और टू कौन से टेबल में जा रहे हैं, टू के टेबल में जा रहे हैं, तो टू कॉमन। अब ये फोर है तो टू इसको डिवाइड कर देंगे, कॉमन निकला तो फोर डिवाइड बाय टू कितना हो जाएगा टू, ये पूरे टर्म को डिवाइड बाय टू करेंगे तो टू टू कैंसिल, क्या बचेगा खाली माइनस रूट थ्री क्योंकि टू कॉमन हो चुका है अपॉन टू। अब ये टू मल्टीप्लीकेशन में तो कैंसिल हो सकता है, तो ये स्मार्ट मूव है, यही करना है, इसी का आपको मार्क्स मिलेगा, यही आपको राइट देंगे। तो फाइनल आंसर इज टू माइनस रूट थ्री। क्लियर स्टूडेंट्स? फिर से एक बार देख लो क्या किया, यहाँ पे बोला है रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री प्लस वन इज इक्वल टू ए माइनस बी रूट थ्री। ए माइनस बी रूट थ्री क्या है वो मैं आपको फंडा समझाता हूँ, आपको वो सोचना नहीं है, यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द सेम, रैशनलाइज करना है आपको, इसका कॉन्जुगेट लेना है, इसका कॉन्जुगेट मतलब रूट थ्री माइनस वन। न्यूमरेटर में देखोगे तो स्क्वायर का फॉर्मूला आ रहा है, डिनोमिनेटर में ए प्लस बी ए माइनस बी, तुम्हारा फेवरेट फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान से स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, सो थ्री प्लस वन यहाँ पे आ जाएगा माइनस टू रूट थ्री अपॉन थ्री माइनस वन। अब यहाँ पे मैंने बोला था थ्री थ्री वन वन कट नहीं होता है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना पड़ता है, तो थ्री प्लस वन फोर माइनस टू रूट थ्री, थ्री माइनस वन टू, वापिस टू टू कैंसिल नहीं होता,
सो व्हाट यू हैव टू डू इज आपको इसमें से कॉमन निकालना है, कॉमन जैसे हम लोग निकालते हैं वैसे ग्रुपिंग करने के लिए। तो यहां से 2 कॉमन आ गया, तो 4 डिवाइड बाय 2 2 2 कॉमन आ गया, खाली बचेगा रूट 3। अब आप 2 2 कैंसिल कर सकते हो बिकॉज नाउ इट इज इन मल्टीप्लीकेशन, सो योर फाइनल आंसर इज 2 माइनस रूट 3। अब आप बोलोगे सर फिर ये ए और बी क्यों दिया है, टाइम पास करने मजा आ रहा है, वो लोग के भी कुछ काम नहीं है, क्वारंटाइन है तो टाइम पास करेंगे, ऐसा नहीं है। अब आपको क्या करना है, 2 माइनस रूट 3 है उसको आपको ये वैल्यू से कंपेयर करना है। क्या करना है आपको, वैल्यू से कंपेयर करना है। तो देखो कैसे कंपेयर करना है, यहां पे जो आपका आंसर मिला है रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1 उसका आंसर है ए माइनस बी रूट 3। अब आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो सिंप्लीफाई करके आपको आंसर क्या मिला, 2 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू ए माइनस बी रूट 3। अब आपको ए और बी का वैल्यू ढूंढना है, तो आप ये देखो ये पूरा का पूरा वैल्यू इसका रेप्लीकेट है, रेप्लीकेट मतलब इसका मिरर इमेज है, दिख रहा है आपको, तो इसमें जो भी वैल्यू रहेगा ए और बी का वो इससे आपको कंपेयर करना है। कंपेयर मतलब यहां पे ए है तो यहां पे देखो जो रूट 3 के साथ रहेगा वो बी रहेगा और जो अकेला रहेगा वो क्या रहेगा, ए रहेगा। अब इसमें अकेला कौन है, रूट 3 के 2, अब देखो अकेला ए है तो ए का वैल्यू आपका आ जाएगा 2। कंपेयर करना है सिर्फ, ये माइनस है ये भी माइनस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये रूट 3 है तो यहां पे रूट 3 है, रूट 3 के साथ कौन है, बी। अब ये रूट 3 के साथ बेचारा कोई नहीं है तो कौन है, 1, तो बी का वैल्यू क्या आ गया, 1। तो इन शॉर्ट आपको क्या करना है, आपका फाइनल आंसर को कंपेयर करना है, क्योंकि देखो ये और ये दोनों सेम दिख रहे हैं ऑलमोस्ट, इसके पास भी रूट 3 है, रूट 3 है, रूट 3 का पार्टनर कौन, बी, तो बी जो है वो 1 आएगा और जो अकेला है रूट के बिना वो ए है, तो इधर रूट के बिना कौन है, ए, तो इधर आएगा 2। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसमें आपको रैशनलाइजेशन के अलावा आपको ए और बी का भी वैल्यू ढूंढना है। अगर आप एग्जाम में ये नहीं करते हो तो आपका 1.5 मार्क्स जा सकता है, सिर्फ ए और बी कंपेयर करके बताना है, दैट्स इट, कुछ बड़ी बात नहीं है। यू हैव टू जस्ट इमेजिन दैट दिस इज द रेप्लीकेशन ऑफ दिस मिरर इमेज है, तो यू हैव टू जस्ट कंपेयर, कंपेयर करके आपको दिमाग लगाना है, अकेला है रूट 3 के बिना वाला वो ए है तो इधर वो 2 है, अब रूट 3 का पार्टनर कोई नहीं है तो इधर 1 है, कभी कभी इधर पार्टनर आ जाता है सॉल्विंग के बाद तो वो बी का आंसर होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, सो दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज वन मोर क्वेश्चन, वो हम लोग पहले कर लेते हैं, देन विल मूव ऑन टू टाइप 3। सो क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन जो है फोर्थ, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, रूट 5 माइनस 2 अपॉन रूट 5 प्लस 2 माइनस रूट 5 प्लस 2 अपॉन रूट 5 माइनस 2। अब आप बोलोगे सर इधर एक को रैशनलाइज करने में जान पे आता है, आप दो दो बता दिए। मैं आपको इसका एक ट्रिक देता हूं, आपको इसको इंडिविजुअली रैशनलाइज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, बिकॉज इसका सम का नाम है जुड़वा, इसका नाम है जुड़वा। जुड़वा मतलब देखो ये वाले टर्म आपको इधर दिख रहे हैं खाली अल्टी पल्टी हो गए, जुड़वा में भी थोड़ा डिफरेंस होता है ना, देखो ये वाले रूट 5 माइनस 2 यहां पे डिनोमिनेटर में भी सेम है, न्यूमरेटर में रूट 5 प्लस 2 है, यहां पे न्यूमरेटर में रूट 5 प्लस 2 है, यहां पे डिनोमिनेटर में, तो इसको मैं नाम बोलता हूं जुड़वा। आप बेसिक जुड़वा किसको बोल सकते हैं, एकदम वो जिसका ये और ये सेम रहेगा बट खाली साइन का फर्क रहेगा, प्लस माइनस का फर्क, तो वो सम को आप जुड़वा बोल सकते हो। और जो मैं ट्रिक दे रहा हूं उससे आप सॉल्व करोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा, नहीं तो वरना आप इसको रैशनलाइज अलग से करोगे, फिर इसको रैशनलाइज अलग से करोगे, जो आंसर है उसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आपको याद रखना है जुड़वा सम कब होगा, जब इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर सेम होगा, ऊपर का छोड़ दो बिकॉज हम लोग तो डिनोमिनेटर में इंटरेस्टेड है, तो डिनोमिनेटर इन दोनों का खाली प्लस माइनस का फर्क होगा। अब आपको क्या करना है, सिंपली क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको हम लोग एलसीएम भी बोलते हैं। तो वी विल मल्टीप्लाई दिस, ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो रूट 5 माइनस 2 द होल स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला साइन माइनस का है ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो रूट 5 प्लस 2 द होल स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाय एलसीएम लिया तो दिस टू एलसीएम है तो ये दोनों इंटू में आ जाएंगे, तो रूट 5 प्लस 2 रूट 5 माइनस 2। आई होप इट इज क्लियर स्टूडेंट्स, एकदम इजी है, क्या किया एलसीएम लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब इधर एक स्क्वायर का फॉर्मूला आएगा, इधर भी एक स्क्वायर का फॉर्मूला आएगा और इधर अपना फॉर्मूला, मतलब तीनों जो फॉर्मूला हम लोग ने सीखा है सब बारी बारी अप्लाई करना है। सो पहले इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर ए माइनस बी द होल स्क्वायर,
तो ए स्क्वायर मतलब रूट फाइव का स्क्वायर माइनस टू रूट फाइव, तो टू इंटू रूट फाइव इंटू टू, टू ए बी, प्लस बी का स्क्वायर मतलब टू का स्क्वायर। क्लियर? अब यहां पे मैं ब्रैकेट डाल रहा हूं क्योंकि यहां पे माइनस साइन है, देखो माइनस, इसका ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आएगा, रूट फाइव स्क्वायर प्लस टू इंटू रूट फाइव इंटू टू प्लस टू का स्क्वायर एंड द होल डिवाइड बाय, इधर फॉर्मूला लगेगा, क्या फॉर्मूला लगेगा, रूट फाइव का स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर। आई होप आपको समझा, इधर ए माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला, इधर ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला, इधर ए प्लस बी ए माइनस बी। अब इधर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, तो रूट फाइव का स्क्वायर फाइव, टू टू जब रैशनल रैशनल मल्टीप्लाई हो सकता है फोर रूट फाइव, प्लस टू का स्क्वायर फोर, माइनस यहां पे भी सेम रूट फाइव का स्क्वायर फाइव प्लस फोर रूट फाइव प्लस फोर डिवाइड बाय, यहां पे भी सिंप्लीफाई, रूट फाइव का स्क्वायर स्टूडेंट मैंने बताया था ट्वेंटी फाइव नहीं होता, फाइव ही होता, फाइव माइनस फोर इज इक्वल टू, अब आप ऊपर का ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, सो फाइव माइनस फोर रूट फाइव प्लस फोर माइनस फाइव, माइनस देखो साइन चेंज कर देता है, माइनस फोर रूट फाइव माइनस फोर डिवाइड बाय फाइव माइनस फोर वन आ गया, देखो कितना सिंप्लीफाई हो गया। अब कुछ कैंसिल हो रहा है तो देखो प्लस फाइव माइनस फाइव गया, प्लस फोर माइनस फोर गया, क्या बचा माइनस फोर माइनस फोर। अब ऑब्वियसली रैशनल रैशनल ही कर पाएंगे, एड होगा, क्यों होगा, क्योंकि रूट फाइव सेम है, तो माइनस माइनस एड हो जाता, तो माइनस फोर माइनस फोर माइनस एट रूट फाइव। तो ये आपका कितना बड़ा आंसर था, खोदा पहाड़ निकला चूहा, जुड़वा सम है ये, आपको मैंने ये सम होमवर्क में भी दिया हुआ है। लेट अस स्टार्ट विथ टाइप थ्री। जैसे हम लोग ने बताया टाइप वन का नाम था कोई मिल गया, टाइप टू का नाम था क्रिश टू, टाइप थ्री का नाम है क्रिश थ्री, है ना। सो क्रिश थ्री नाम हम लोग ने डाला हुआ है। अब इसमें आपको क्या करना है, थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, अगेन दिस इज फोर मार्क क्वेश्चन एंड टेक्स्ट बुक में कहीं पे भी नहीं मिलेगा, आपकी शायद स्कूल वर्कशीट में देंगे बाद में। सो क्रेश थ्री में आपको क्या करना है, आपको यहां पे पेयरिंग करना है, आपको डायरेक्टली रैशनलाइजेशन नहीं करना है। जैसे आप बोलोगे सर रैशनलाइजिंग फैक्टर आएगा टू माइनस रूट थ्री माइनस रूट सेवन, गलत नहीं, रैशनलाइजेशन के लिए आपको इसको पहले पेयर अप करना पड़ेगा कोई भी दो नंबर को, और यू कैन से स्टार्ट के दो नंबर को पेयर कर लो, ठीक है, ये सबसे पहला फंडा है। इसको पेयर अप करने के बाद दिस यू नीड टू ट्रीट एज अ सिंगल टर्म एंड दिस इज यू नीड टू ट्रीट एज अ सेकेंड टर्म एंड दिस इज ये फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म है सम, ठीक है। अब ये पूरा एक का एक टर्म है, इसको चेंज नहीं करना है, इसको भी चेंज नहीं करना है, इसकी साइन को बदलना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। तो मेरे को बताओ स्टूडेंट्स क्या आएगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय टू प्लस रूट थ्री, चेंज नहीं होगा बिकॉज नाउ दिस इज अ सिंगल टर्म, इसको सिंगल टर्म ले लिया, प्लस के बदले लाएंगे माइनस और रूट सेवन तो सिंगल है ही। तो आपको क्या करना है, क्रिश थ्री में यू नीड टू पेयर दिस टू, स्टार्ट के ही टू ले लो, एंड के टू मत लो, स्टार्ट के टू को पेयर अप कर लो, उसको कुछ भी नहीं करना है, उसके अंदर का साइन भी चेंज नहीं करना है, खाली आपको सेकेंड टर्म के पहले जो साइन है वो चेंज करके रैशनलाइजिंग फैक्टर निकालना है। तो फोर अपॉन टू प्लस रूट थ्री प्लस रूट सेवन मल्टीप्लाई टू, टू प्लस रूट थ्री एक सिंगल टर्म माइनस रूट सेवन डिवाइड बाई भी सेम टू प्लस रूट थ्री माइनस रूट सेवन। सो नाउ न्यूमरेटर में आ जाएगा फोर, मल्टीप्लीकेशन में फोर इंटू टू प्लस रूट थ्री माइनस रूट सेवन डिवाइड बाय, अब यहां पे ध्यान रखना आपको दिस इज योर सिंगल टर्म, दिस इज अनदर टर्म, तो ये पूरा का पूरा टर्म ए हो जाएगा, ये पूरा का पूरा टर्म ए, ये तुम्हारा पूरा का पूरा टर्म बी, ए बी बी, तो फॉर्मूला क्या आएगा, ए प्लस बी द होल स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तुमको समझ रहे स्टूडेंट्स क्या कर रहा हूं मैं, इसको एज अ सिंगल टर्म ही ट्रीट कर रहा हूं मैं, भले इसमें दो है बट ये सिंगल टर्म हम लोग ट्रीट करेंगे इसको। सो ऊपर न्यूमरेटर में आपको कुछ नहीं करना है, मैंने बोला था आपको पहले ही स्टार्ट में ही कीप एज इट इज, शायद कुछ कैंसिलेशन हो, डिवाइड बाय, अब यहां पे आपको ध्यान से स्क्वायर करना है, अब ये भले सिंगल टर्म है बट स्क्वायर करते टाइम तो डबल हो जाएगा, ये आपको फॉर्मूला दे रहा है ए प्लस बी द होल स्क्वायर का, यस और नो स्टूडेंट्स, तो ए स्क्वायर मतलब टू का स्क्वायर प्लस टू ए बी,
तो 2 × 2 × √3 प्लस √3 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर 7 आ जाएगा। तो ओपन करते हैं 4, इसको ऐसे ही रखना है, न्यूमरेटर को कुछ भी नहीं करना है आपको, डिवाइड बाय, इसको पता चला आपको भले ही सिंगल टर्म था बट अभी स्क्वायर ओपन तो करेंगे ना कभी तो ओपन करना ही पड़ेगा, तो ए प्लस बी द होल स्क्वायर फॉर्मूला डाला। नाउ 2 स्क्वायर इज नथिंग बट 4, 2 × 2 = √3 प्लस 3 माइनस 7। अब मैं नेक्स्ट स्टेप जो करने वाला हूं वो समझने की कोशिश करो, आई होप आपको समझा। हमेशा ऐसे कैंसिलेशन होगा, पॉसिबल है, 4 + 3 = 7, 7 - 7 = 0। तो अभी मेरे पास क्या बचा, 4 × 2 + √3 - √7 अपॉन 4√3। तो आप नोटिस करोगे यहां पे डिनोमिनेटर में से अभी भी रूट नहीं निकला स्टूडेंट्स, पर हमारा टास्क क्या था, रैशनलाइज मतलब रूट निकालो। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, अब ये 4 कट हो गया तो बचा क्या, 2 + √3 - √7, ये कट हो रहा था इसके लिए कट किया, इनटू में था, डिवाइड बाय √3। नाउ स्टूडेंट्स अगर आप नोटिस करोगे दिस इज विच टाइप, ये रूट अकेला है तो ये कौन सा टाइप आ गया स्टूडेंट्स, ये आ गया कोई मिल गया। तो कोई मिल गया में हम लोग को क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द सेम रूट। तो 2 + √3 - √7 मल्टीप्लाई बाय √3 डिवाइड बाय 3 √3 × √3 = 3। तो ये डिनोमिनेटर में से रूट निकल गया, न्यूमरेटर आपको सिंप्लीफाई नहीं करना है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। सो इन शॉर्ट जो क्रिश 3 टाइप है, टाइप 3, उसके अंदर आपको पेयरिंग करना है एंड इसको एज अ सिंगल टर्म लेना है और रैशनलाइजिंग फैक्टर निकालना है, इसका साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट इधर खाली ये माइनस साइन चेंज हो जाएगा, ऊपर आपको न्यूमरेटर को ऐसे ही रखना है, नीचे डिनोमिनेटर में फॉर्मूला अप्लाई करते वक्त a + b a - b आएगा, a² - b² दिस नीड टू बी ट्रीटेड एज अ सिंगल टर्म। अब जब इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे a + b द होल स्क्वायर आएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको a + b² करने के बदले डायरेक्ट लिखते हैं 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3, 4 + 3 = 7, रॉन्ग, 0 आंसर मिलेगा, क्योंकि 7 - 7 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में कभी 0 आएगा नहीं। तो यहां पे आपको a + b द होल स्क्वायर करना है, तो a + b है तो फॉर्मूला आएगा तो उसमें 2ab टर्म आएगा ही आएगा। फिर यहां पे सिंप्लीफाई किया, न्यूमरेटर को मैं हाथ नहीं लगा रहा हूं, 4 + 3 = 7, 7 = 7 कट हो गया, यहां पे 4 कट हुआ, अगर पॉसिबल है तो करने का, नहीं हुआ तो नहीं करने का। अब आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में √3 बच रहा है, तो आप ध्यान से देखोगे तो सर रूट तो निकला ही नहीं, तो रूट नहीं निकला मतलब ये टाइप 1 आ गया, टाइप 1 मतलब √3 × √3 / √3 करेंगे, डिनोमिनेटर में से रूट निकल जाएगा। तो आई होप आपको क्रिश 3 समझा। अब मैंने इसका नाम कोई मिल गया, क्रिश 2 क्रिश 3 क्यों रखा है उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में रिवील करूंगा, ताकि आपको एक परफेक्ट आइडिया मिले और आप याद भी इजीली रख सको, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, होमवर्क आई सेंड ऑन व्हाट्सएप ग्रुप, थैंक यू सो मच।